हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट हम आ, चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं हमने इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट किए थे वो भी चैप्टर वाइज आपके साथ डिस्कस किए थे स्टार्ट करते हैं वीडियोस और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशन के ऊपर जो भी आपने अकाउंटिंग कन्वेंशन पढ़े हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन विल हैव द इफेक्ट ऑफ यानी कि जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन होता है यानी रूढ़ीवाद्यता का सिद्धांत वो हमारा किस पर प्रभाव डालता है ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स पर अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी या फिर अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है देखिए इसके अंदर जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनको छोड़कर जितने भी हमारे लॉसेज होते हैं उनकी यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाता है यानी कि उनकी व्यवस्था की जाती है इसके अनुसार यहाँ पे सब हम सबसे पहले क्या लेते हैं हम सबसे पहले डेप्रीशिएशन की व्यवस्था करते हैं उसके बाद जो हमारे स्टॉक्स होते हैं उनका अवेल्यूशन करते हैं और आप सबको पता है कि स्टॉक का अवेलेशन कहाँ कैसे किया जाता है यानी कि जो मार्केट प्राइस और जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है विच इज़ लो जो भी कम होगा उस पर उसका वैल्यूशन uh, किया जाता है उसके बाद संपत्तियों को यानी कि जो हमारे एसेट्स होती है उसका अंडर स्टेटमेंट करते हैं यानी कि उनको कम दिखाते हैं और जो भी हमारे uh, जो हमारे प्रॉफिट्स सॉरी uh, जो हमारे लाइबिलिटीज होती हैं उनका ओवर स्टेटमेंट किया जाता है यानी कि उनकी वैल्यू हाई दिखाई जाती है यानी कि जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको कम करके दिखाया जाता है लॉस को हाई करके दिखाया जाता है ये हमारा रूढ़ीवादिता का सिद्धांत होता है जिसके अनुसार जिससे अगर फ्यूचर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमारे पास फंड हो ठीक है तो ये हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन बताता है तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू अंडर स्टेटमेंट ऑफ को स्टेटमेंट करके दिखाया जाता है और लाइबिलिटी को ओवर स्टेटमेंट दिखाया जाता है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन टू हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा हमारा अपॉइंट है जो कि हमारा अकाउंट्स जो भी बुक्स है अकाउंट्स की उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस यानी कि बिजनेस में कंट्रोल के लिए कमीशन पेबल टू सेल्स मैन अप्रिशिएशन मेड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ बजटी कंट्रोल सिस्टम या फिर ऑल ऑफ दी अबस ऑल ऑफ़ दी दबब तो देखिए यहाँ पर मनी मेज़रमेंट कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है आप सबको पता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं अगर वो मनी में मेज़र किए जा रहे हैं यानी कि उनको मनी में हम आ, वो डिनोट कर सकते हैं तभी उनका यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता क्वान्टिटिव नेचर के ट्रांजेक्शन यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं इसी के लिए यहाँ पर जैसे कि हमारा मैनेजर के हेल्थ से रिलेटेड कोई है प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये क्या हो गया ये हमारा ये हमारा हो गया क्वालिटेटिव लेकिन अगर यहाँ पे मैनेजर की फीस सैलरी की बात की जाती है ये क्वांटिटेटिव हो जाता तो यहाँ पर इसको इंक्लूड किया जाता ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल ये क्वालिटेटिव है एप्रीशियशन मेड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम ये भी क्वालिटेटिव है तो यहाँ पर ये कट गया ये कट गया क्या आएगा राइट right आंसर वो होगा टू क्योंकि देखिए कमीशन है कमीशन को हम मॉनेटरी एस्पेक्ट में डिनोट करते हैं तो कमीशन पेबल टू सेल्समैन सेल्समैन को कोई भी कमीशन दिया गया है तो मनी की फॉर्म में दिया गया होगा इसलिए यहाँ पे ऑप्शन टू हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन और इसमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये बताने हैं कैपिटल इक्वल टू असेट्स प्लस लाइबिलिटीज कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल या फिर लाइबिलिटीज इक्वल टू असेट्स प्लस कैपिटल तो देखिए हमारी जो इक्वेशंस बनती हैं वो क्या होती हैं जो भी हमारे आ, पूंज या तो हम इस तरह से बना सकते हैं जो भी हमारे क्रॉस लाइबलिटीज होती हैं इक्वल टू असेट्स कर सकते हैं या फिर हम कर सकते हैं कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लाइबलिटीज इक्वल टू संपत्तियां जिसको हम असेट्स भी बोलते हैं तो इसके अकॉर्डिंग देखें हमारी जो राइट right आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन टू कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी जो भी हम असेट्स में से माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज को तो जो भी हमारे अमाउंट बचेगा वो हमारा कैपिटल कहलाएगा ठीक है तो ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा राइट right आंसर हो जाएगा आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे अब देखिए ये हमारे कन्वे... अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है इनका यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं पहले आप ये देख लीजिए लिस्ट ए को लिस्ट टू से आपको मैच करना है तो देखिए मैं आपको इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें भी ये बता चुकी हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ठीक है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन हमारा किससे रिलेटेड है ये हमारा रिलेटेड है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी तो देखिए ए का फोर हो गया ए का फोर किस में है वन एंड टू में तो हमारा थ्री कट गया फोर कट गया इस तरह से आप सॉल्व करा करिए क्वेश्चंस को क्योंकि एलिमिनेशन से क्या होता है अब आपके दो ऑप्शन कट गए आपको दो में देखना है ठीक है अकाउंटिंग टू क्या है वेल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री तो ये हो गया अब ये दोनों में ही वन वन है अब हमें ये देखना है थ्री एंड फोर में थोड़ा कंफ्यूजन है तो देखिए थ्री क्या होता है थ्री होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट और फोर होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो देखिए यहाँ पर थ्री का हो गया टू फोर का हो गया थ्री तो थ्री का टू किस में आ रहा है वन में तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर होगा ए ए हमारा होता है डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी टू इन्वेंट्री थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट फोर रिवेन्यू रिकॉग्निशन फाइन इस तरह से आपको टोटल ट्वेंटी टू या ट्वेंटी वन है वो आपको पूरे लर्न करने हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया डज नॉट परफॉर्म दी फॉलोइंग फंक्शन अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इंडिया का वो कौन से कार्य नहीं करता है आपको वो बताने हैं फॉर्मलेन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश अकाउंट्स ऑफ इंडिया अब जो फॉर्म जो भी स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनको स्टैब्लिश करना इसका काम है रिव्यू ऑफ़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी यानी कि उनकी रिव्यू करना जो भी कमेटी है उसकी इश्यू ऑफ़ गाइडेंस एंड क्लैरिफिकेशन नोट्स ऑन पॉइंट्स अराइजिंग फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी पॉइंट्स अराइज होते हैं उनको क्लैरिफाई करना उनको गाइडेंस देना कि ये इस तरह से होगा ट्रीटमेंट इसका इसको इस तरह से करना है रिकॉर्ड ये सारे ये बताते हैं या फिर और जो भी इन्होंने चीजें बनाई हैं इनके अंदर रूल्स बनाए हैं उसको लोगों को किस तरह से अडोप्ट करवाएं ये काम करते हैं तो इसमें बात की गई है डज नॉट परफॉर्म क्या काम नहीं करता है तो देखिए ये इनका काम नहीं होता कि जो भी इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उनका प्रचार भी यही करवाएं यानी कि प्रोपोगेट करवाएं उसको और उनको लोगों को कहें कि आप इसे फॉलो करो क्योंकि ये तो जो भी कंपनीज जो जो हमारी कम, कमे, हम बोल सकते हैं कंपनीज जो होती हैं उनको ये फॉलो करना होता है ये कंपलसरी uh, होता है इनको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ये फॉलो करो फॉलो करो क्योंकि कंपनी अगर इनको फॉलो नहीं करेगी तो जो भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं इनको फॉलो करने के वो उनको नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ उन पर पेनल्टी भी लग सकती है ठीक है तो यहाँ पर ये इसका काम नहीं है बाकी ये सारे इसके काम है और हमें बताना है कि डज नॉट जो इसका काम नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन फोर जो है वो हमारा राइट right आंसर हो जाएगा बाकी स्टेब्लिश करना इसका काम होता है समीक्षा करना इसका काम होता है और क्लैरिफाई करना गाइडेंस प्रोवाइड करना भी इसी का काम होता है तो ऑप्शन फोर यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ थ्री स्मॉल फाइल्स ऑफ रुपीस फॉर ईच वाज डिस्चार्ज टू एक्सपेंसेस व्हेन परचेज इवन दो दे हैड यूजफुल लाइफ ऑफ सेवरल ईयर्स दिस वाज डन अकॉर्डिंग टू यानी कि यहाँ पर तीन स्मॉल हमारी फाइल थी उनकी लागत जो थी बहुत जो बहुत कम थी लेकिन उनको जो भी हमारे इयर्स हैं उनमें राइट ऑफ किया गया धीरे-धीरे करके यह हिसाब हमारा क्या कहलाता है कॉस्ट प्रिंसिपल कंजर्वेशन प्रिंसिपल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल या फिर मटेरियलिटी प्रिंसिपल तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो चीज़ है ये हमारी कहलाती है मटेरियलिटी प्रिंसिपल यानी कि इसके अंदर क्या होता है इस प्रिंसिपल के अंदर जो भी रिकॉर्ड की जाती हैं चीज़ें उनकी एक सीमा होती है ठीक है हर चीज़ की एक सीमा होती है तो उनको इन सारी चीज़ों को एक जगह जैसे छोटे छोटे जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनको एक में ही करके लिख लिया जाता है जो कम मूल्य की होती हैं जैसे कि आपने स्टेशन पेन लिया आपने छोटी नोटबुक ली आपने रेजर ली बहुत सारी चीजें ली आपने अब यहाँ पर आप इन सारी चीजों को अलग अलग करके नहीं लिख सकते आप इन सबको कैसे ट्रीट करेंगे इन सबको आप स्टेशनरी में डाल देंगे और इनका टोटल अमाउंट भी आप स्टेशनरी में करके लिख देंगे आप इनको अलग अलग करके नहीं लिखेंगे ठीक तो है तो ये हमारी कहलाते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल ऑप्शन फोर यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है कंटिन लाइबिलिटी शोन ड्यू टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अब जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो हमारी शो की जाती है किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के द्वारा फुल डिस्क्लोजर कंजर्वेटिविज्म मटेरियलिटी या फिर ड्यूअल एस्पेक्ट देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात की जा रही है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी यहाँ पर जो होती है वो हमारी जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसमें फुट नोट में दिखाई जाती है क्योंकि इसका एक तरह से ये जो लाइब्रेटी होती है हमें बिल्कुल नहीं पता अभी कि ये लाइब्रिटी हमारी है भी या नहीं हो भी सकता है फ्यूचर में ये लाइब्रिटी बने और हो भी सकता है फ्यूचर में ये liability ना बने इसलिए ये सिर्फ एक नोट की तरह हमारे बैलेंस शीट में शो कर दी जाती है कंटेजेंट लाइब्रेटी की ये फ्यूचर में बन सकती है लाइब्रिटी ठीक है तो अब हमें बताना है कि ये किस अवधारणा या फिर किस कॉन्सेप्ट के अंदर आती है तो ये हमारी आती है फुल डिस्क्लोजर के अंदर क्योंकि यहाँ पर उसने डिस्क्लोज किया है बैलेंस शीट में आपको शो करके कि ये हमारी फ्यूचर में लाइबिलिटी बन सकती है इतने रुपए की ठीक है तो अब यहाँ पर उसका काम था आपको डिस्क्लोज करना क्योंकि अभी ये उसको भी नहीं पता कि ये है या नहीं है ठीक है तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एज अ बिजनेस लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग अब जो कैपिटल है हमारी बिजनेस लाइबिलिटी है ये किस कॉन्सेप्ट के अंदर कहा गया है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मैचिंग गोइंग कंसर्न या फिर कंजर्वेशन तो कैपिटल हमारी बिजनेस लाइबिलिटी है ये हमारी बात करता है किस उस के अंदर ये बत, बताता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी के अंदर क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बिजनेस कैपिटल जो है वो एक ओनर के लिए लाइबिलिटी की तरह होती है कि क्योंकि जब भी वो यहाँ से कुछ विड्रॉल भी करता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको पे करना होता है इस पर इंटरेस्ट ठीक है ये सारी चीज़ें तो ये कहा भी जाता है कि जो बिज़नेस और जो ओनर होता है वो सेपरेट होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं बिजनेस एक अलग सेपरेट एंटिटी है और उसका ओनर एक अलग है ठीक है तो ये सेपरेट एंटिटी के

डेप्रीशन हमारा किसका है देखिए फर्स्ट होता है हमारा डिस्क्लोजर, टू होता है ये आप टू देख लीजिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का है टू इन थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट फोर क्या होता है थ्री फोर होता है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन फाइव डेपरीशिएशन फाइव क्या हो गया डेप्रीशन तो ऑप्शन फाइव uh, नहीं सिक्स होता है तो option, uh, हमारा डेप्रीशिएशन का ठीक है तो ऑप्शन टू हमारा इसका हो गया डेप्रिशिएशन का अभी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा फाइव या सिक्स होता है हमारा डेप्रीशिएशन का और ये टू हमारा है वन का ठीक है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वन वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑप्शन वन राइट आंसर है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जो डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग है वो फाइव है या सिक्स है प्लीज जरूर बताइएगा ठीक है नेक्स्ट है अभी ये फिर से आ गया लेकिन यहाँ पे टॉपिक्स टौ, जो जो पॉइंट्स हैं हमारे ऑप्शन जो हैं वो अलग हैं देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है कि क्या क्या रिकॉर्ड होगा क्वालिटी कंट्रोल ये पॉइंट सेम है कमीशन पेबल टू सेल्समैन टीम ऑफ से ऑल ऑफ दी दी अबव देखिए ऑल ऑफ अब तो कट गया कंट्रोल की बात की जा रही है ये क्वालिटेटिव नेचर है टीम स्प्रिट ऑफ एम्प्लॉयज की बात की जा रही है क्वालिटिव नेचर है क्वानिटेटिव क्या है कमीशन तो ऑप्शन टू यहाँ पर हमारा राइट right आंसर है नेक्स्ट है द अकाउंटिंग हैं वो हमारी कैसे हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की तो ये हमारे यहाँ पर रिलेटेड है इसके पॉइंट्स आप देख लीजिए इसमें यहाँ पर नहीं गिवन है देखिए इसमें, देखे, इसमें इसके ऑप्शन ये नहीं है इसके ऑप्शन ये होंगे मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ ए ऑप्शन है हमारा ए एंड फोर करेक्ट बी ऑप्शन है हमारा टू और थ्री करेक्ट सी ऑप्शन है हमारा ए और थ्री करेक्ट और डी ऑप्शन है हमारा टू और फोर करेक्ट ठीक है टू और फोर करेक्ट ये इनके ऑप्शन है तो अब आपको बताना है जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट का वो हमारा किससे रिलेटेड है रिलाईजेशन कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर अकाउंटिंग इक्विलेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ठीक है तो देखिए रिलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारा बैलेंस शीट से रिलेटेड नहीं है ठीक है अब हम बात करते हैं सेकंड की देखिये सेकेंड यहाँ पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट दिया कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं तो ये टू तो सही है

पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज जरूर बताइएगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी वीडियोस के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय